गंदगी के कारण बाली उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत खिवेल में वार्ड संख्या 6 में लगातार हो रही बारिश व पानी निकासी का समाधान नहीं होने से वार्ड वासियों का जीना मुश्किल हो गया है। वार्ड नंबर 6 के वार्ड पंच नारायण लाल बावरी ने बताया कि हमने इसको लेकर लगातार पंचायत की बैठक में समस्या को रखा, साथ सरपंच से लेकर उपखंड स्तर तक शिकायत की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके कारण मोहल्ले वासियों की बड़ी समस्या बन गई है। लेकिन स्थानीय प्रशासन से लेकर उपखंड प्रशासन तक बेखबर है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि हमने इसको लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर BDO को भी लिखित में समस्याओं को लेकर अवगत करवा चुके हैं, साथ ही राजस्थान हेल्पलाइन नंबर 181 पर भी शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। स्कूली बच्चों व बूढ़ों का निकलना हुआ मुश्किल। मोहल्ले में कुछ ही दूर पर आंगनबाड़ी केंद्र, जहां छोटे छोटे बच्चे जाते तो वहीं स्कूली बच्चे भी इस मार्ग से होकर जाते हैं, तथा कीचड़ भरे रास्ते में हर दिन समस्या आने जाने की हो रही है। फिसलन होने से हादसे होने का भी खतरा बना हुआ है, लेकिन ग्राम पंचायत की हठधर्मिता के कारण विकास रुका पड़ा है और समस्या जस की तस है। मौसमी बीमारियों के फैलने का बड़ा खतरा। वार्ड नंबर 6 के मोहल्ले वासियों ने बताया कि लगातार पानी के जल भराव से मौसमी बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। हमारे छोटे छोटे बच्चे रात में सो भी नहीं पा रहे हैं। गंदगी और भारी कीचड़ के कारण मच्छर पनपने लगे हैं, तथा डेंगू जैसी बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। समय रहते यदि इस रास्ते को ठीक नहीं करवाया तो धरना प्रदर्शन करेंगे। इस मौके पर छगन लाल देवासी, हफ्ताराम देवासी, फागराम देवासी, बाबूलाल अंबालाल, खेताराम मोड़ाराम, जेठाराम नारायण लाल, वसनाराम, चमेलाराम, हरजीराम सहित वार्ड की महिलाएं भी मौजूद रहीं। कीचड़ और इतनी गंदगी फैल गई है कि कोई सीमा से बाहर, और सरपंच साहब को मैंने कम से कम 50 बार एप्लीकेशन दे चुका हूँ, लेकिन मेरी कोई इसे सुनवाई नहीं हुई मेरी। लेकिन मैंने बाली क्षेत्र में BDO साहब को भी मैंने कंप्लेन दी है, उससे भी मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला है, और SDM साहब को भी दी, BDO साहब को दी, लेकिन मुझे कोई इससे फायदा नहीं हुआ है। और मेरे गली का कीचड़ अब तक ऐसा कैसा पड़ा है, तो मैं विधायक अधिकारी से कंप्लेन करता हूँ। और हाँ, मैंने एक फीमेल पंचायत में कंप्लेन कर चुका हूँ 3-4 बार, लेकिन पंचायत से कोई रिप्लाई मुझे नहीं मिला है। और सरपंच को भी लाग के मौके भी बता दिया मैंने कि भाई ये गंदगी बहुत ज़्यादा फैल रही है, बच्चे स्कूल आए दिन स्कूल जा रहे हैं लेकिन जा नहीं सकते, हर व्यक्ति के पास में कोई व्हीकल नहीं है जो पहुँचा सके उसको, और हर पेरेंट्स कोई घर पर नहीं है ताकि उसको लेके जाए पकड़ के, और बच्चे गिरते हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी गिरते हैं यहाँ पे गंदगी के अंदर, बहुत ज़्यादा गंदगी फैल गई है। और शिक्षा विभाग, मैं हरजीराम देवासी बोल रहा हूँ गाँव खिमेल से। हमारे गली में बहुत कीचड़ पड़ा है और बाली 3-4 बार कंप्लेन करने के बाद भी इसका कोई रिप्लाई नहीं आया, कि कोई साफ इधर जो कोई सर्वे के लिए नहीं आया कि भी तुम्हारा कितना कीचड़ है। पंचायत में तो बहुत बार बोल चुके हैं हम, बच्चों के लिए जाने के लिए भी बहुत तकलीफ पड़ती है, बूढ़े लोग भी नहीं जा सकते, घुटनों तक पानी भरा रहता है, और पूरा जो सही जगह थी उसमें वो मिट्टी डाल दिया और कीचड़ हो गया, और सरपंच भी मिल आता भी नहीं है और बोलता है करवाएंगे करवाएंगे करवाएंगे, फिर बारिश खत्म होने के बाद में इतना कीचड़ पड़ा है कि आने जाने का रास्ता बंद हो गया। अभी बहुत परेशान है, हम घर से बाहर नहीं निकल पाते। मेरा नाम वसनाराम देवासी है, खिमेल से। मैं सरपंच को भी 50 बार कह चुका हूँ हमारी गली में कीचड़ है, तो कितनी बार बोल सके, और बाली जाके उधर BDO साहब को भी बोल गए, और दूध लेके जाते हमको इधर उल्टा मिट्टी डाल के देखो सब गंदगी फैला दिया है, और हमको आने जाने की तकलीफ पड़ती है, स्कूल के बच्चे को भी तकलीफ पड़ती है, बुजुर्ग लोगों को भी तकलीफ पड़ती है, इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और बार बार बोल बोल के हम परेशान हो गए, अभी लास्ट बोलना था जो बोल गए हम। ऐसे बोल रहा हूँ, हमारे गली में बहुत कीचड़ है, ये कोई बार बार कंप्लेन की थी तो पंचायत सुनती नहीं है, BDO साहब सुनते नहीं है, बच्चा बीजा सब दुखी है, जाना आने का रास्ता बंद हो गया सर, मच्छर भी खूब मलेरिया हो रहा है, बच्चों को बीमार पड़ते, रोज दवा खाने जा रहा हूँ।